Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of ID home number, ये trigonometry की problem है. Resolve और ये chapter है separation into real and imaginary parts. यानी किसी complex quantity को हमें real और imaginary part में separate करना है. Resolve into real and imaginary parts of cosec alpha minus I beta. तो इस जिसको resolution करना है हमको उसको लिख देंगे यानी cosec अल्फा माइनस आई बीटा को कॉसिक से साइन में बदल देंगे और इसमें कॉसिक की वैल्यू 1/ साइन होती है. जो एंगल है वो लिख देंगे अल्फा माइनस आई बीटा. अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को रियल बनाना होता है ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट आसानी से सेपरेट हो जाए. तो इसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करना होता है. तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसका इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए सिर्फ हमें इसमें आई के साइन को चेंज कर देते हैं. तो इस पूरे को ऐसे लिखेंगे जहाँ जहाँ पर और जितनी बार भी आई है उसके साइन को चेंज कर देंगे. यहाँ पर माइनस आई था तो प्लस आई से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब इसमें फार्मूला लग के ये लग सके यानी टू साइन ए साइन बी का, तो इसके लिए हम ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो साइन ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा और इस प्लस वाले को पहले लिख दें और टू से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है. साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा और इनटू में है साइन साइन अल्फ़ा माइनस का आई बीटा. अब यहाँ पर इस में आइडेंटिटी लगा देंगे जो हम यहाँ पर नीचे अलग से लिख देते हैं यानी टू साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी में दोनों कॉस आते हैं. तो कॉस ए माइनस का बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे. ए की जगह पर ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा है और बी की जगह पर अल्फ़ा माइनस आई बीटा है. फिलहाल अभी हम न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा ही लिखा है उसे उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे अल्फ़ा प्लस आई बीटा. और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा वर्क करें कि कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें पहले एंगल माइनस होगा यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा यानी ए में से बी को माइनस करेंगे. बी मतलब हमारा अल्फ़ा माइनस आई बीटा है. फिर माइनस का साइन होगा और कॉस होगा और फिर दोबारा से ए में जुड़ेगा बी. तो ए का मतलब था अल्फ़ा प्लस आई बीटा यहाँ पर और प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा. अब ऊपर हम यानी न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे. साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन ए इंटू कॉस बी, फिर क्रॉस ए इंटू साइन वी है यहाँ पर. तो इस आइडेंटिटी को इन दोनों आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ किया. अब हम इस ऊपर वाली आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में लगाने जा रहे हैं. टू बाहर रखते हुए इसमें साइन ए प्लस बी की फार्मूला, ए की जगह अल्फ़ा है और बी की यहाँ पर आई बीटा है. तो फार्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन वी यानी आई बीटा हो गया. अपन देख रहे हैं कि ब्रैकेट ओपन करेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का टू टाइम्स आई बीटा हो जाएगा. माइनस यहाँ पर माइनस आई बीटा से कैंसिल जाएगा, ये कॉस टू टाइम्स अल्फ़ा हो जाएगा. यहाँ पर आई को हटा के इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देंगे. मीन्स यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम, जो आइडेंटिटी यूज़ करना है उसको ये लिख देंगे कि कॉस आई जेड की वैल्यू जो होती है कॉस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होती है और साइन आई जेड को जो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आई शुरू में आ जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड में दिल जाएगी. इन दोनों आइडेंटिटीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अपने इस प्रॉब्लम को अगले पेज पर हम लिखने वाले हैं. यानी यहाँ पर आई हाइपरबोलिक जेड में बदल जाएगी, यहाँ पर आई बाहर आ जाएगा, हाइपर साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी तो जो वैल्यू हमको रियल और इमेजिन पार्ट में सेपरेट करना थी वो चल रही है इक्वल. टू बाहर है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा था, पीछे देख लीजिएगा साइन अल्फ़ा इंटू आई हट के कॉस हाइपरबोलिक बीटा में कन्वर्ट हो गया. प्लस कॉस अल्फ़ा है इंटू ये साइन आई बीटा है तो यहाँ पर आई बाहर हो गया और ये साइन बीटा में कन्वर्ट हो गया. ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखें, ये कॉस टू आई बीटा है तो यहाँ पर आई हट जाएगा, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा हो जाएगा, कॉस टू अल्फा यहाँ पर पहले से मौजूद है. हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में. तो ये मिलेगा हमें टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ये तो रियल पार्ट
में बदल के अपान में ये रखेंगे दोनों के, प्लस से हम सेपरेट करेंगे, यानी कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा माइनस का कॉस टू अल्फ़ा, और प्लस के साइन को यहाँ लगाते हुए टू का अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, आई यहाँ शुरू में लिख देंगे ताकि पता चले कि इसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है और इसमें टू का मल्टीप्लाई हो चुका है, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, टू का अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो टू यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा है, होल अपान इसके भी ये रहेगा, यानी दोनों के नीचे ये रहेगा, सेपरेट कर दिया, तो रियल पार्ट शुरू में आ गया ये, और आई का जो कोफिशिएंट है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था, ये सेपरेट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।